रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जैसे हमने बात की है कि बॉडी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसने बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट मुजाहमत शो करनी है, एबिलिटी है, रेजिस्ट करना है, तो इसी वजह से बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और डिफेंस। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल दी थी एक आर्मी की, एक फौज की, जैसे वो किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज की हिफाजत करती है, उसकी एबिलिटी है वो मुजाहमत करेगी दुश्मन के अगेंस्ट कि वो उस मुल्क के अंदर दाखिल ना हो सके। इसी तरह हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो हर वक्त डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मुजाहमत प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्रोटेक्शन और वो मुजाहमत इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब होगा क्या अगर वो इम्यून सिस्टम इज एक्टिव, और यू कैन से दैट इंडिविजुअल इज इम्यूनो कॉम्पिटेंट, मीन्स उसका इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, कॉम्पिटेंट है, तो वो इंडिविजुअल वुड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस और इन्फेक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए और उस इंडिविजुअल को, उस इंसान को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहेंगे, मीन्स उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी टू एक्वायर इन्फेक्शन, टू गेट इन्फेक्शन। द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन वेन एवर देयर इज एन वीक और एब्सेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इज HIV/AIDS। HIV stands for Human Immunodeficiency Virus and AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. So, ये एक वायरस से एक डिजीज कॉज करता है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम हाईजैक हो जाता है, और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम हाईजैक हो जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और इंडिविजुअल और उस इंसान में रेजिस्टेंस, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो खत्म हो जाता है और वो इंसान या वो इंडिविजुअल इज वेरी प्रोन टू एक्वायर और गेट इन्फेक्शंस। द नेक्स्ट इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टिश्यू ग्राफ्ट। अच्छा, जैसे टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ द इम्यूनोलॉजी। आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंसान का टिश्यू या उसका जो टिश्यू है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जाता है, जैसे गुर्दा या किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी डोनेशन इज वन ऑफ द काइंड। अब जब एक इंसान का टिश्यू एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यून सिस्टम कंसिडर्ड द बॉडीज ओन कंपोनेंट ओन टिश्यूज एज सेल्फ, मींस जो बॉडी के अपने टिश्यूज हैं, जो अपने ऑर्गन हैं, वो इम्यून सिस्टम उसको अपना ऑर्गन और अपना टिश्यू कंसिडर करता है। दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज सेल्फ टिश्यू, सेल्फ ऑर्गन। लेकिन जब ट्रांसप्लांटेशन होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, जैसे गुर्दे की या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की एग्जांपल है, तो उसमें इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो रेजिस्टेंस शो करता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इन द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन थेरेपी, दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक टेक्निक इन विच the genes of the individual are going to be modified. So immune system come into action. That's why we have just to consider the immune system every time. इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि जब गुर्दा एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो करीबी रिश्तेदार जो कि क्लोज रिलेटिव्स हैं वो they are eligible to transplant for donating the kidney, बिकॉज वो करीबी जो रिलेटिव्स हैं उनका इम्यून सिस्टम और उस रेसिपिएंट का जिसमें उस टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसका इम्यून सिस्टम, दे हैव सम सिमिलैरिटीज, दे हैव सर्टन काइंड ऑफ कॉमन थिंग्स
जिसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसमें सिमिलैरिटी नहीं है तो उस रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गई। देन देयर इज द सर्विलेंस अगेंस्ट द ट्यूमर्स मींस द कैंसर्स, द ट्यूमर्स और द कैंसर्स, जिसे आम जुबान में सरतान का नाम दिया जाता है। हमारी जिस्म में, हमारी बॉडी में उस सरतान और उस ट्यूमर्स के अगेंस्ट फाइट करने और मुजामत में भी इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज मीन सर्विलेंस। एवरी टाइम इन साइड द बॉडी इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू सर्विलेट, मीन्स निगरानी कर रहा है कि कोई हमारी बॉडी का सेल या टिश्यू ट्यूमरस टिश्यू या ट्यूमरस सेल में चेंज ना हो जाए। ट्यूमर इज व्हाट? ट्यूमर इज बेसिकली द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन और एबनॉर्मल रेप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। दैट्स व्हाई द सर्विलेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू स्प्रेडिंग और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्यूमर्स। द नेक्स्ट थिंग इज द इम्यून प्रोडक्ट्स, जैसे एंटीबॉडीज एक इम्यून प्रोडक्ट है और दोज आर यूज्ड थेरापूटिकली एज वेल एज डायग्नोस्टिकली। जब भी आपने किसी इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करनी होती है तो वी हैव जस्ट टू यूज एंटीबॉडीज एंड दोज आर बेसिकली द इम्यून प्रोडक्ट। और इसी तरह कैंसर की इम्यूनोथेरेपी या दूसरे इन्फेक्शन की जो थेरेपी की जाती है या वैक्सीन जो दी जाती हैं वो एंटीबॉडीज की फॉर्म में बॉडी में एंटर की जाती हैं, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं पोटेंशियल इन्फेक्शियस एजेंट। एंड दैट्स वाई दीज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन।